हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम देखेंगे P1 के बारे में। पेक्टोरल ग्रुप के फर्स्ट मेडिसिन, पेक्टोरल ग्रुप में चार मेडिसिन होता है, P1, P2, P3, P4। तो आज हम देखेंगे P1 के बारे में। P1 एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन है। रेस्पिरेटरी से जितने भी डिसीज होता हो, जैसे निमोनिया, अस्थमा, तो इसी तरह से जितने भी लंग से जुड़ी हुई डिसीज हो, तो वो P1 से हम ठीक कर सकते हैं। P1 फर्स्ट स्टेज के लंग्स में होने वाली जितनी भी डिसीज है, उसे हम P1 से दूर कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में जितनी भी डिसीज है लंग से जुड़ा हुआ, उसे हम P1 से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब देखेंगे कि ये जो P1 है, ये हमारे कहाँ से कहाँ तक काम करते हैं। ये हमारे मुंह से लेकर और हमारी ये लंग से लेकर, गले से लेकर लंग्स, पूरे लंग्स पे ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। वैसे होते ये पूरे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसीलिए जहाँ जहाँ ब्लड पहुँचता है, वहाँ वहाँ P1 भी काम करता है। तो ब्लड को पहुँचाने का काम ए ग्रुप का है, तो ए ग्रुप के साथ अगर P1 को दिया जाए तो बॉडी में बहुत जल्दी इसका काम देखने को मिलता है। यदि किसी तरह से लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, वायरल फ्लू हो गया हो, तो उसे भी P1, S1 और F1 के साथ देने से बहुत जल्दी लाभ देखने को मिलता है। अब देखेंगे इसका जो मेन काम है, ये किस काम पे ज़्यादा यूज कर सकते हैं, हम किस डिसीज के ऊपर या किस बीमारी के ऊपर हम इसे देख सकते हैं। पहला, जो भी सीजनेबल, जैसे अभी सीजन चेंज होता हो, गर्मी से बरसात, बरसात से फिर ठंडी, तो ऐसे सीजन में जो सीजनेबल फ्लू होता है, बुखार होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में यदि किसी पेशेंट को खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा हो, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, बुखार आ रहा हो, तो हमें P1 को से ठीक किया जा सकता है। खांसी के लिए P1 के साथ सी ग्रुप को C13 P1 और B से खांसी को तुरंत आराम किया जा सकता है। वहीं बुखार, सीजन में बुखार के साथ खांसी सर्दी हो रहा हो, तो S1 के साथ P1 और F1 को देखना चाहिए। तो ये रहा इसके कुछ विशेष काम। अब देखते हैं इसके डाइल्यूशन की, कौन सी डाइल्यूशन किस कंडीशन में हम कहाँ दे सकते हैं। जो इसके फर्स्ट डाइल्यूशन होता है वो एक्यूट में, जैसा सूखी खांसी हो गया हो और दो दिन से हैं या एक दिन से हैं, तीन दिन से हैं, तो उस कंडीशन में हम P1 को दे सकते हैं। P1 से सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा है। यदि किसी का कफ निकल नहीं रहा हो, तो उस कफ को हमको निकालना है, तो कफ निकालने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी सहायक औषधि जैसे P1 के साथ C13 और B, ये तीन मेडिसिन दिया जाए तो कफ ढीली होके अच्छे से निकल जाती है। वहीं थ्रॉट में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो C13 के साथ P1 को देखना चाहिए। यदि लंग्स में किसी तरह से सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो, जलन हो रहा हो, बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में S2 के साथ देखना चाहिए। S2, P1 और BE, ये तीन मेडिसिन देने से ही शांत हो जाते हैं। अब देखते हैं इसकी सेकंड डाइल्यूशन। सेकंड डाइल्यूशन से लंग्स में जैसा अस्थमा हो गया हो, निमोनिया हो गया हो, और एक्यूट कंडीशन या सब एक्यूट में हम सेकंड डाइल्यूशन का यूज कर सकते हैं। अस्थमा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अस्थमा को अगर एक्यूट है, एक्यूट अस्थमा के लिए ये बहुत अच्छा है।
सीजनेबल अस्थमा के लिए किसी किसी पेशेंट को जैसे बारिश हो गया, ठंडी आ गया, तो वो सीजन में उनको अस्थमा का प्रॉब्लम बढ़ता है, तो उस कंडीशन में ही हम P1 को यूज कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बरसात आ गया हो, तो बरसात के मौसम में किसी किसी पेशेंट को अस्थमा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम P1 को दे सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना का जो सीजन चल रहा था, उस समय में ऑक्सीजन लेवल जो कम हो जा रहा था, तो उस समय यदि P1 को दिया जाए तो ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ जाता है। S1 के साथ P1 को देखना चाहिए। मेरे बहुत सारे पेशेंट को मैंने A1, P1 और WE या BE के साथ उनको एक डोज दिया, तो उनकी जो लंग्स जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई, ऑक्सीजन लेवल एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, लंग्स में से जितनी भी चीज़ें हो, लंग से जुड़ी हुई जितने भी डिसीज हो, उसे P1 से हम दूर कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन के, क्रोनिक कंडीशन अगर होगा तो इसके आगे के P2 में हमें जाना पड़ेगा। तो A1 से हम एक्यूट जितने भी डिसीज है उसे हम P1 से ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके थर्ड डॉल्यूशन। थर्ड डॉल्यूशन से लंग्स में किसी तरह से सूजन आया हो, लंग्स में किसी तरह से घाव हो गया हो, लंग्स में किसी तरह से पानी जमा हो गया हो, लंग्स में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी हम थर्ड डॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। फोड़ा हो गया हो, फुंसी हो गया हो, तब भी हम P1 को थर्ड डॉल्यूशन में दे सकते हैं। बुखार हो रहा हो बहुत दिनों से, बुखार ठीक नहीं हो रहा हो खांसी के साथ, सर्दी के साथ, तो हमें P1 को फोर्थ डॉल्यूशन को हम जॉइंट पेन या किसी तरह से पेन हो, तो उस कंडीशन में हम फोर्थ डॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। फोर्थ डॉल्यूशन से बॉडी में किसी तरह से सोइलिंग हो, गॉट हो, अर्थोराइटिस हो, तो इसे इसके सहायक औषधि के साथ देने से ये बहुत जल्दी लाभ देखने को मिलता है। P1 को C4 के साथ दिया जाए तो बोन से रिलेटेड जितने भी डिसीज है, बोन्स में पेन हो रहा हो, बोन्स के सर्कुलेशन, बोन्स में जो सेल है या टिश्यू है वहाँ सर्कुलेशन नहीं हो रहा हो, तो उस जगह पे भी P1 का अच्छा रोल देखने को मिलता है। P1 ए ग्रुप के जैसे काम करता है, ये सर्कुलरी मेडिसिन है, बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है, इसीलिए ऑक्सीजन से रिलेटेड या श्वास संबंधी जितने भी प्रॉब्लम हो इसके फोर्थ डॉल्यूशन से हम ठीक कर सकते हैं। फिफ्थ डॉल्यूशन से लेकर 10th डॉल्यूशन तक हम डीजनरेटिव डिसीज जितने भी हो, जैसे लंग्स की TB हो गया हो, लंग्स में कैंसर हो गया हो, लंग्स में कोई घाव हो गया हो, लंग्स में कोई फोड़ा हो गया हो, वहाँ से मवाद निकल रहा हो और मवाद सूख नहीं रहा हो, तो हम P1 का 5th से लेकर 10th डॉल्यूशन तक के यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं एक फार्मूला कि P1 को हम पेटेंट फार्मूला है, कोई भी पेशेंट को दिया जाए तो ये फार्मूला बहुत अच्छा काम करता है। सूखी खांसी के लिए P1 सूखी खांसी के साथ, यदि बुखार भी रहता हो तो P1 F1 A1 से और इसके साथ BE तो जोड़ दिया जाए तो सूखी खांसी एक दिन में कम हो जाता है। दिन भर में 3 से 4 बार सेकेंड डॉल्यूशन में दिया जाए तो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। कफ सिरप देने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली एक मेडिसिन से सूखी खांसी को ठीक किया जा सकता है। मैंने मेरे सभी पेशेंटों को ये फार्मूला देता हूँ और सभी 99% पेशेंट इससे ठीक हो जाता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं P2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।